श्री नारायण कहते हैं, नंद के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने पिता से ये नीति की बात कही। तात, आप बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति करते हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में लीला पूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूं। आप गौ, बछड़ों, बालकों और भयातुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चे की यह बात सुनकर नंद ने प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही किया। तब श्री हरि उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते की डंडी की भांति धारण कर लिया। इसी समय उस नगर में रत्नमय तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा अंधकार छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। मुने, हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अधिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, वज्र की वृष्टि और अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर होते जा रहे थे। मुने, असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का वो सारा उद्योग विफल हो गया। वो सब कुछ व्यर्थ होता देख इंद्र उसी क्षण रोष से भर गए और उन्होंने दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोद वज्रास्त्र को हाथ में ले लिया। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देख मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण वज्र को ही स्थापित कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तब्ध कर दिया। वे सब के सब दीवार में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। तदनंतर श्री हरि ने इंद्र को जरंभा के वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में ही उन्होंने देखा वहां का सारा जगत श्री कृष्णमय है। सभी द्विभुज हैं, सबके हाथों में मुरली और सभी रत्नमय अलंकारों से विभूषित हैं। सबके अंगों पर पीताम्बर का परिधान है। सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। सबके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई देते हैं। उन सब के सभी अंग चंदन से चर्चित हैं। समस्त चराचर जगत को उस परम अद्भुत रूप में देखकर वहां इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था उसका वे वहीं जप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्र दल कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज देखा। उस तजोराशि के भीतर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर तथा नूतन जलधर के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित एवं प्रकाशमान मकराकृति कुंडलों से अलंकृत थे। अत्यंत उद्दीप्त एवं श्रेष्ठ मणियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्भासित हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ रत्न से कंठ और वक्षस्थल जगमगा रहे थे। मणि निर्मित केयूर, कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूप से ही देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का उन्होंने स्तवन किया। इंद्र बोले, जो अविनाशी परब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत निराकार स्वेच्छामय और अनंत है, जो भक्तों के ध्यान तथा आराधना के लिए नाना रूप धारण करते हैं, युग के अनुसार जिनके श्वेत रक्त, पीत और श्याम वर्ण है, सत्य युग में जिनका स्वरूप शुक्ल तजोमय है तथा उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से जाजल्यमान रहते हैं, द्वापर में जो पीत कांति धारण करके पीताम्बर से सुशोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं, इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम एवं सुंदर है, उन नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं तथा राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं भी तुलना नहीं है, जो रत्नमय आभूषणों से विभूषित हों, कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थल में राधा के वृक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केश कलापों की चोटी गूंथते हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए तांबुल को सा आनंद ग्रहण करते हैं, कहीं बांके नेत्रों से देखती हुई राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं,
कहीं राधा के साथ रास मंडल में जाते हैं, कहीं राधा की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कहीं गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं। जिन्होंने कई ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा दिए हुए भोजन को ग्रहण किया और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के चित्त को चुराते हैं, कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई हुई गौओं को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है, और जो कहीं मौज में आकर आनंद विभोर के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं, तथा कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तवराज से स्तुति करके इंद्र ने श्री हरि को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृत्तासुर के साथ युद्ध के समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को कृपा पूर्वक एकादशाक्षर मंत्र एवं लक्षणों से युक्त कवच और ये स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्मा ने पुष्कर में कुमार को, कुमार ने अंगिरा को और अंगिरा ने बृहस्पति को इसका उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह इहलोक में श्री हरि की सदृढ़ भक्ति अंत में निश्चय ही उनका दास्य सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और शोक से छुटकारा पा जाता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत और यमलोक को नहीं देखता। भगवान नारायण कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। श्री हरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। तदनंतर गुफा में छिपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने घर को गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। ब्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। नंद के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र का स्तवन किया। नंद बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौओं के तथा ब्राह्मणों के हितैषी तथा समस्त संसार का भला चाहने वाले हैं, उन सच्चिदानंदमय गोविंद को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभो, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप अंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं, आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूप के जीवन तथा साक्षी हैं, आप निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अनंत सूक्ष्म है, आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल हैं, सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा तजोमय हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं, आप नित्य स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। आप चार युगों में चार वर्णों का आश्रय लेते हैं, इसलिए युग क्रम से शुक्ल, रक्त, पीत और श्याम नामक गुणों से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप योगी, योग रूप और योगियों के भी गुरु हैं, सिद्धेश्वर, सिद्ध एवं सिद्ध गुरु के गुरु हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शेषनाग, धर्म, सूर्य, गणेश, षडानन, सनकादि समस्त मुनि, सिद्धेश्वरों के गुरु के भी गुरु कपिल तथा नर नारायण ऋषि भी, जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन परात्पर प्रभु का स्तवन दूसरे कौन से जड़ बुद्धि प्राणी कर सकते हैं। वेद, वाणी, लक्ष्मी, सरस्वती तथा राधा भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकती, उन्हीं का स्तवन दूसरे विद्वान पुरुष क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण, मुझसे क्षण क्षण में जो अपराध बन रहा है वो सब आप क्षमा करें। करुणा सिंधो, दीन बंधो, भवसागर में पड़े हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रभु, पूर्व काल में तीर्थ स्थान में तपस्या करके मैंने आप सनातन पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है, अब आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति और दास्य प्रदान कीजिए। ब्रह्मत्व, अमरत्व तथा सालोक्य आदि चार प्रकार के मोक्ष आपके चरण कमलों की दास्य भक्ति की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। फिर इंद्रपद, देवपद, सिद्धि प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, राजपद तथा चिरंजीवित्व को विद्वान पुरुष किस गिनती में रखते हैं, क्या समझते हैं। ईश्वर, ये सब जो पूर्व कथित ब्रह्मत्व आदि पद हैं, वे आपके भक्त के आधे क्षण के लिए भी प्राप्त संघ की क्या समानता कर सकते हैं, कदापि नहीं। जो आपका भक्त है वो भी आपके समान हो जाता है, फिर आपके महत्व का अनुमान कौन लगा सकता है।
आपका भक्त आधे क्षण के वार्तालाप मात्र से किसी को भी भवसागर से पार कर सकता है। आपके भक्तों के संग से भक्ति का विविध अंकुर उत्पन्न होता रहता है। उन हरि भक्त रूप मेघों के द्वारा की गई वार्ताप रूपी जल की वर्षा से सींचा जाकर भक्ति का वो अंकुर बढ़ता है। जो भगवान के भक्त नहीं है उनके आलाप रूपी ताप से वह अंकुर तत्काल सूख जाता है और भक्त एवं भगवान के गुणों की स्मृति रूपी जल से सींचने पर वो उसी क्षण स्पष्ट रूप से बढ़ने लगता है। उनमें उत्पन्न आपकी भक्ति का अंकुर जब प्रकट होकर भलीभांति बढ़ जाता है तब वह नष्ट नहीं होता, उसे प्रतिदिन और प्रतिक्षण बढ़ाते रहना चाहिए। तदनंतर उस भक्त को ब्रह्म पद की प्राप्ति कराकर भी उसके जीवन के लिए भगवान उसे अवश्य ही परम उत्तम दास्य रूप फल प्रदान करते हैं। यदि कोई दुर्लभ दास्य भाव को पाकर भगवान का दास हो गया तो निश्चय ही उसी ने समस्त भय आदि को जीता है। यूं कहकर नंद श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। उस प्रकार नंद द्वारा किए गए स्तोत्र का जो हरि भक्त भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है वो शीघ्र ही श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव को प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सौभरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का षडक्षर मंत्र तथा सर्वरक्षण कवच प्रदान किया था। यही कवच, यही स्तोत्र और यही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र, स्तोत्र, कवच, ईष्ट देव, गुरु और विद्या प्राप्त होती है वो पुरुष उस मंत्र आदि तथा विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार ये श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया जो सुखद, मोक्षप्रद एवं साधनों का सारभूत तथा भवबंधन को छुटकारा दिलाने वाला है। ग्वाल बालों का श्री कृष्ण की आज्ञा से ताल वन के फल तोड़ना, धेनुकासुर का आक्रमण, श्री कृष्ण के स्पर्श से उसे पूर्व जन्म की स्मृति और उसके द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन, वैष्णवी माया से उन्हें उसे स्वरूप की विस्मृति, फिर श्री हरि के साथ उसका युद्ध और वध, बालकों द्वारा सानंद फल भक्षण तथा सबका घर को प्रस्थान। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पके फलों से भरा हुआ था। उन ताल वृक्षों की रक्षा गर्दभ रूपधारी एक दैत्य करता था जिसका नाम धेनुक था। उसमें करोड़ों सिंहों के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कूप के तुल्य थे। उसके दांत हरीस की पांत के समान और मुंह पर्वत की कंदरा के सदृश था। उसकी चंचल एवं भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि तालाब के समान जान पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। ताल वन को सामने देख उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ा हर्ष हुआ। उनके मुखारविंद पर मुस्कुराहट छा गई। वे कौतुकवश श्री कृष्ण से बोले, बालकों ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे करुणा सिंधो, हे दीन बंधो, आप संपूर्ण जगत के पालक हैं, महाबली बलराम जी के भाई हैं तथा समस्त बलवानों में श्रेष्ठ हैं। प्रभो, आधे क्षण के लिए हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। भक्त वत्सल, हम आपके भक्त बालकों को बड़ी भूख लगी है। इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल हैं, उनकी ओर दृष्टिपात कीजिए। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और नाना रंग के फूलों तथा दुर्लभ पके फलों को गिराना चाहते हैं। श्री कृष्ण, यदि आप आज्ञा दे तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं, परंतु इस वन में गर्दभ रूपधारी बलवान दैत्य धेनुक रहता है जिस पर संपूर्ण देवता भी विजय नहीं पा सके हैं। वह महान बल पराक्रम से संपन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। यह राजा कंस का महान सहायक है।
समस्त प्राणियों का हिंसक तथा ताल वनों का रक्षक है। जगतपते, वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप भली भांति सोचकर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित, हम इसे करें या न करें। बालकों की यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में सुखदायक वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाल बालो, तुम लोग तो मेरे साथी हो, तुम्हें दैत्यों से क्या भय है? वृक्षों को तोड़कर हिलाकर जैसे चाहो बेखटके से इन फलों को खाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और वृक्षों के शिरों पर चढ़ गए। वे भूखे थे इसलिए फल लेना चाहते थे। नारद, उन्होंने अनेक रंग के स्वादिष्ट, सुंदर और पके हुए फल गिराए। कितने ही बालकों ने वृक्ष तोड़ डाले, कितनों ने उन्हें बारंबार हिलाया। कोई बालक वहां कोलाहल करने लगे और कितने ही नाचने लगे। वृक्षों से उतरकर वे बलशाली बालक जब फल लेकर जाने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभ रूपधारी महाबली, महाकाय, घोर दैत्य शिरोमणि धेनुक को बड़े वेग से आते देखा। वह भयंकर शब्द कर रहा था। उसे देखकर सब बालक रोने लगे। उन्होंने भय के कारण फल त्याग दिए और बारंबार जोर जोर से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन आरंभ कर दिया। वे बोले, हे करुणा निधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथ से अब हमारे प्राण जा रहे हैं। हे कृष्ण, हरे, मुरारे, गोविंद, दामोदर, दीनबंधो, गोपीश, गोपेश, अनंत, नारायण, भव सागर में डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो, रक्षा करो। दीननाथ, भय अभय में, शुभ अशुभ अथवा सुख और दुख में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। हे माधव, भव सागर में हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। गुण सागर श्री कृष्ण, तुम ही भक्तों के एकमात्र बंधु हो, हम बालक बहुत भयभीत हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। यह दानव कुल का स्वामी हमारा काल बनकर आ पहुंचा है, आप इसका वध कीजिए और इसे मारकर देवताओं के बल दर्प को बढ़ाइए। बालकों की व्याकुलता देखकर भय हंता भक्त वत्सल माधव बलराम जी के साथ उस स्थान पर आए जहां वे बालक खड़े थे। कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है, यो कहकर वे शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़े आए और मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभय दान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर बालक हर्ष से नाचने लगे। उनका भय दूर हो गया। क्यों ना हो, भगवान की स्मृति ही अभयदायिनी तथा सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है। बालकों को निगल जाने को उद्यत हुए उस दानव को देख मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करके कहा। श्री कृष्ण बोले, भैया, यह दानव राजा बली का बलवान पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा ने इसे शाप दिया था। उस ब्रह्म शाप से ही यह गधा हुआ है। यह बड़ा पापी तथा महान बल पराक्रम से संपन्न है, अतः मेरे ही हाथ से वध के योग्य है। मैं इसका वध करूंगा, तुम बालकों की रक्षा करो, सब बालकों को लेकर दूर चले जाओ। तब बलराम उन बालकों को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही दूर चले गए। इधर इस महाबली एवं महापराक्रमी दानव राज ने श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें रोष पूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर उस दानव के भीतर बड़ी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेज से वह मरणासन हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत हो उन तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की ओर एक टक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह
अत्यंत सुंदर, शांत तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उस दानव को पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को तथा जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया। उन तेजह स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ उसे दृष्टि में लाकर उनकी स्तुति करने लगा। दानव बोला, प्रभो, आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सब लोगों को सुतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर, सर्वेश्वर और भक्त वत्सल हैं। मैं पापी हूँ और शाप से गर्दभ हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए। दुर्वासा मुनि के शाप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके हाथ से बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी षोडशार चक्र से मेरा वध कीजिए। मुक्तिदाता जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वारह रूप में अवतीर्ण हुए थे। नाथ, आप ही वेदों के रक्षक तथा हिरण्याक्ष के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकशिपु के वध के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। प्रहलाद पर अनुग्रह और वेदों की रक्षा करने के लिए आपने यह अवतार ग्रहण किया था। दयानिधे, आपने ही राजा मनु को ज्ञान देने, देवता और ब्राह्मणों की रक्षा करने तथा वेदों के उद्धार के लिए अंशतः मत्स्य अवतार धारण किया था। आप ही अपने अंश से सृष्टि के लिए शेष के आधारभूत कच्छप हुए थे। सहस्त्रलोचन, आप ही अंशतः शेष के रूप में प्रकट हुए हैं और संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं। आप ही जनक नंदिनी सीता का उद्धार करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम हुए थे। उस समय आपने समुद्र पर सेतु बांधा और दशमुख रावण का वध किया। पृथ्वीनाथ, आप ही अपनी कला से जमदग्नि नंदन महात्मा परशुराम हुए, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय नरेशों का संहार किया था। सिद्धों के गुरु के भी गुरु महर्षि कपिल अंशतः आपके ही स्वरूप हैं, जिन्होंने माता को ज्ञान दिया और योग शास्त्र की रचना की। ज्ञानी शिरोमणि नर नारायण ऋषि आपके ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। आप ही धर्म पुत्र होकर लोकों का विस्तार कर रहे हैं। इस समय आप स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हैं और सभी अवतारों के सनातन बीज रूप हैं। आप यशोदा के जीवन, नंद राय जी के एकमात्र आनंद वर्धन, नित्य स्वरूप, गोपियों के प्राणाधिदेव तथा श्री राधा के प्राणाधिक प्रियतम हैं। वसुदेव के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वी पर भार उतारने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की है, क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप बक, केशी तथा प्रलंबा सुर को और मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। स्वेच्छामय, गुणातीत, भक्त भय भंजन राधिकानाथ, प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गर्दभ योनि और भव सागर से मुझे उबारिए। मैं मूर्ख हूँ तो भी आपके भक्त का पुत्र हूँ, इसलिए आपको मेरा उद्धार करना चाहिए। वेद और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनींद्र भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन्हीं गुणातीत परमेश्वर की स्तुति मुझ जैसा पुरुष क्या करेगा, जो पहले दैत्य था और अब गधा है। करुणा सागर, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म न हो। आपके चरणार विंद के दर्शन पाकर कौन फिर जन्म अथवा घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं,
उन्हीं का स्तवन आज एक गधा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप एवं विज्ञ परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी समान रूप से कृपा होती है। यों कहकर दैत्यराज धेनुक श्री हरि के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न एवं अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्य द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास ही श्री हरि का लोक, ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह इह लोक में श्री हरि की भक्ति, अंत में उनका परम दुर्लभ दास्य भाव, विद्या, श्री, उत्तम कवित्व, पुत्र पौत्र तथा यश भी पाता है।